I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help. What's up guys, welcome back to another vlog. आज दिवाली का दिन है, 4 तरीक है, 4 अक्टूबर ते हैप्पी दिवाली सारे नू. पता है व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, चलो तावी ते अब हूँ 11 बज गए हैं. आप तैयार तूर हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करन चले हैं. आप अज आप इतने ना स्पेशलिटी हैगी है प्याज कचौरी, आलू प्याज की कचौरी, तो वह ट्राई करन जावांगे. तो हूँ ही दो तीन जगह देखी है जिते वधिया मिलती है, तो हूँ चले आप थोड़ी 5-10 मिनट तक निकलांगे इतों, तो बस फिर अगे दिखाने तुहानू अज का सीन. उस तो बाद अज फोर्ट वगैरह जावांगे क्योंकि दिवाली है, तो फोर्ट शामी काफ़ी वधिया डेकोरेशन हुई दी है, उपरों लाइट शो भी होंगे वह फोर्ट का, तो दिखाने सारा कुछ तुहानू अज. हैप्पी दिवाली. Counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. Everything that drags me down, I need to focus. Everything inside me now. Counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. Now,
sun, staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run, keeping on the run every night. But you're too far away, you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. Cause I need to. ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲ ਮਹਿਲ ਆ ਗਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਬੀਚ ਆਪ ਲੋਕ ਜੋ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਮਲ ਵਾਟਰ ਪੈਲੇਸ 1799 ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਕੋ ਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੈਲ ਕੋ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਡਮ ਮਹਿਲ ਪੂਰਾ 5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾ ਹੈ 5 ਫਲੋਰ ਥਾ ਅਭੀ 3 ਫਲੋਰ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਹੈ 2 ਫਲੋਰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਬ ਇਸ ਕੋ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਥਾ ਇਹ ਜੋ ਲੇਕ ਮਾਨਸਾਗਰ ਆਗੇ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾ महल के अंदर 35 कमरे हैं, 3 टेम्पल है, एक दरगाह है। महल को चूने मिट्टी पत्थर मुल्तानी मिट्टी की लिपाई से बनवाया था ताकि महल सुंदर रहे। लेक के किनारे पर होने की वजह से जो लेक पर झीलें चलती थी झील लहरें चलने की वजह से महलों पर दीवारों पर पानी आता था मैडम तो महल सुंदर रहता था। ऊपर जो फोर्ट हुआ करते थे हिल पे वो काफ़ी गर्म रहते थे गर्मियों में इसलिए गर्मियों के जो 6 महीने हुआ करते थे 6 मंथ वो यहीं पर वो हम बताया करते थे इसको समर पैलेस के नाम से जानते थे पहले 1981 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी जयपुर में बारिश के कारण क्योंकि पहाड़ से इससे पानी बहता हुआ है बारिश का उसके बाद जो मिट्टी पत्थर बहता हुआ है तो लेक का पानी आगे आ गया मैडम तो लेक बड़ी हो गई जिसकी वजह से महल पानी में डूब गया तो वाटर पैलेस के नाम से जानने लगे जी सुनामी आने से पहले इसके अंदर पिक्चर की शूटिंग हुई थी अगर आप लोग पुरानी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा अजूबा पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन जी की उसमें गाना होता है मैं माटे उड़ा तू सोने की गुड़िया उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी महल के अंदर ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं नेचुरली आर्टिफिशियल नहीं है उनकी जड़ें दीवारों के जरिए नीचे आई हुई है इसलिए तो पानी दीवारों पर आता था मैडम पूछी से इन पेड़ों को पानी मिलता था ये पेड़ अगर साल के 12 महीने हरे भरे रहते कभी सूखते नहीं है 1981 के बाद से कोई गया नहीं मैडम इसमें 2003 में जो हमारे के लास्ट हुआ थे भवानी सिंह जी उन्होंने इसको लीज पे देने के लिए गवर्नमेंट से बात करी तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया पहले से सर्वे करने के लिए महल के अंदर की कंडीशन कैसे देखने के लिए वो सर्वे करके गए महल के अंदर कंडीशन अच्छी थी उन्होंने बोला आप लीज पे दे सकते हैं जी हाँ मैडम ऊपर के दो फ्लोर है ना टेरेस वो लीज पे गया हुआ था 2004 के अंदर इसको जो है लीज पे देने के लिए एग्रीमेंट तैयार हुआ राजभवन गवर्नमेंट ने बैठ के एग्रीमेंट तैयार करवाया इसका एग्रीमेंट जो था वो 1000 करोड़ का प्राइस रखा गया मैडम एग्रीमेंट में टाइमिंग 30 साल बाद में कोठारी इंडस्ट्रीज आए नौतन कोठारी जी ने राजा से बात करी कि एग्रीमेंट का प्राइस ज़्यादा टाइमिंग कम है इसलिए राजा ने अपने तरफ से एक सेकेंड एग्रीमेंट तैयार करवाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके उस एग्रीमेंट में प्राइस रखी गई 750 करोड़ और टाइमिंग 99 ईयर्स उन्होंने राजा ने लीज पे दे दिया कोठारी इंडस्ट्रीज को जब इसको काम चालू हो गया था बाद में गवर्नमेंट को पता लगा कि गवर्नमेंट एग्रीमेंट से अगेन जाके राजा ने एक दूसरा एग्रीमेंट तैयार करवाया तो गवर्नमेंट ने केस कर दिया मैडम तो कोठारी इंडस्ट्रीज केस लड़ रहे थे अब से अभी तक इसमें काम बंद हो गया था इस कारण अभी जाके उन्होंने केस जीत गए हो दोबारा काम चालू गवर्नमेंट जीती है अब नहीं कोठारी इंडस्ट्रीज ठीक है मैडम इसमें ऊपर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है जैसे आपको बताया बीच में इसमें पूरे पैलेस के अंदर रेस्टोरेंट रहेगा आप लोगों की बोटिंग वगैरह चालू रहेगी लेक के अंदर बैक साइड में आप लोग जो लैंड देख रहे हैं पूरा इसके ऊपर आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह के होटल वगैरह तैयार हो जाएगा रहने करने के लिए अभी मैडम खाली वर्कर लोग जा रहे हैं वर्क पूरा नहीं हुआ ना इसका जैसे काम पूरा हो जाएगा आप लोगों के लिए बोटिंग ले जाएगी फिर आप लोग अंदर जाते जी अभी कम से कम 3-4 साल लगेंगे इसमें जब तक आप लोगों ने तैयार होगा बैक साइड में इसका डैम बना हुआ पानी ज़्यादा है तो पीछे डैम के थ्रू निकाल देते हैं एक महल जैसा और बना हुआ पीछे ब्लैक कलर का जस्ट महल के पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा पेड़ों को वहाँ पे वो इसकी जेल है जहाँ पर काले पानी और फांसी की सजा दी जाती थी उसमें सनलाइट पिक्चर की शूटिंग हुई है मैडम जैकी श्रॉफ और संजय की लास्ट फाइट होती है वो वहाँ की शूटिंग है कहाँ पे वो मैडम जस्ट महल के बैक साइड पे देखिए ब्लैक कलर का एक महल जैसा दिख रहा है आपको पहाड़ों के वहाँ पे बस वही तो रेड 3 ब्लॉक से इनके अंदर खाना पकाया करते थे जी पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो मसाले वगैरह जलाया करते थे जिससे महल में पहले गर्मी रहती थी इसलिए खाना पकाने के लिए बाहर की तरफ खाना पकाया करते थे महल में गर्मी तो गाइस हूँ आप जल महल घूम लिया इतों की सारी स्टोरी वगैरह तुम्हें मैं दसती है गाइड के थ्रू मैं क्लिप एड कर दूंगा हूँ आप अगे चले हाँ नाहरगढ़ फोर्ट या फिर जो भी फोर्ट सब तो पहला हूँ दस्ते जाएगा फिर उत्थे चलेंगे तो अगे दिखाने I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town.